हेलो क्लास नाइन्थ, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज आवर थर्ड चैप्टर. एंड सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सी, इन द पास्ट देयर वर सर्टेन लिमिटेशन, द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन आवर सोसाइटी दे वर लेस, दे वर लिमिटेड, right? And the organization were very small and the size of organization was simple in the nature. But with the development of science, with the development of technology and the spread of education, the number of organization have increased. These organization have become large in size and quite complex in nature, and several organization they overlap in their features and their functions. ठीक है, आजकल जब पहले क्या था, पहले किसी एक चीज के लिए बहुत ही कम या हमारे पास लेस रिसोर्सेज होते थे. आज हमारे पास एक ही चीज के बहुत सारे रिसोर्सेज थे, इसीलिए इसमें कहा गया है सेवरल ऑर्गेनाइजेशन ओवरलैप इन देयर फीचर्स एंड फंक्शंस. ठीक है, आज हम एक इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स खुल गए हैं, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए हैं, इतने अच्छे अच्छे एमबीए कॉलेजेस हो गए हैं. ठीक है, हर किसी के अपने अपने फंक्शंस हैं. सो क्या है, ज्यादातर कॉमनली चीज क्या होती है, देयर विल बी ओवरलैप इन देयर फीचर्स एंड फंक्शंस. ठीक है, तो इन अगर हम बात करें द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन आवर सोसाइटी दे वर लेस इन पास्ट बिकॉज देर वर लेस रिसोर्सेज, द ऑर्गेनाइजेशन वर स्मॉल इन साइज एंड दे वर सिंपल इन नेचर. नाउ आफ्टर मीन्स ग्लोबलाइजेशन, वी कैन से विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉट हैपेंड, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली, द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली, दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम लार्ज इन साइज. सो इफ वी टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट, तो लेट अस डिस्कस विद द प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट आर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन? तो प्रॉफिट सीकिंग एज सीकिंग का मतलब हमें कुछ चाहिए, जिस चीज की चाह हो. एंड प्रॉफिट लाभ, प्रॉफिट वी ऑल नो, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें प्रॉफिट चाहिए होता है, चाहत होती है. सो ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड प्राइमरली विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दीज ऑल कॉल्ड प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अगर हम बात करें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टेब्लिश्ड टू अर्न प्रॉफिट, दीज आर कॉल्ड प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन दे बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव विदाउट प्रॉफिट. जाहिर सी बात है, कोई बिजनेस अगर कोई रन कर रहा है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें प्रॉफिट ना हो, राइट? तो इट इज द इंसेंट वॉट वी दे आर डूइंग. नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग सम प्रॉफिट. This profit, it is an incentive of earning money with the prompt people to set up the run business organization. Profit also provide the money for the modernization. कि अपनी मान लीजिए हम आज अपने मान लीजिए सपोज आजकल इतने आप देख रहे हो ना अकेडमी और वेदांतु बायजूस, बहुत सारे ऐप चल रहे हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस. सपोज आज मैंने स्टार्ट किया, एक ऑनलाइन सेटअप दे दिया, बहुत अच्छा सा मेरा, मैं ऑनलाइन क्लास देने लगी. अब हमने क्या किया, अब बहुत अच्छा हमारा चलने लगा, हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे. तो अब हम क्या करेंगे, अब अपना थोड़ा सा सेटअप चेंज करेंगे, थोड़ा एडवांस बनाएंगे उसको, ठीक है? तो ये क्या है, इट इज कॉल एन इंसेंटिव. ठीक है, प्रॉफिट जो हमें हो रहा है उसको हम किस चीज के लिए लगा रहे हैं, और अपनी ग्रोथ के लिए लगा रहे हैं, ठीक है? तो इट इज यूज फॉर मॉडर्नाइजेशन. जाहिर सी बात है, पहले हमने सिंपल तरीके से ऑनलाइन क्लास शुरू की, फिर हमने बढ़िया सेटअप बढ़िया सा लगा के बढ़िया स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाई करवाना शुरू किया. उसके बाद हमने और भी बहुत बढ़िया कैमरा यूज करने लगे, कैमरा मैन रख लिया शूटिंग के लिए, ये सारी चीजें. तो मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, उससे हमें क्या हुआ, हमें और प्रॉफिट हुआ, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ द वीडियोज बढ़ गए, अच्छा हो गया क्लासेस का, बच्चों को क्लैरिटी से दिखने लगा. तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द
मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज विथ विच थिंग प्रॉफिट मनी राइट द मेन प्रॉब्लम फेस्ड इन द प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज मैक्सिमाइजिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी द ओनर एंड मैनेजर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर कंसर्न विद वेज एंड मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी वो ज्यादातर इस चीज पे फोकस करते हैं कि कॉस्ट को रिड्यूस करें और प्रोडक्शन को बढ़ाएं अब जैसे हम गवर्नमेंट की बात करें तो इन इंडिया गवर्नमेंट हैज ऑल्सो ओन एंड कंट्रोल सेवरल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओन एंड कंट्रोल कर लिया है जैसे हमारी भेल है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हो गया हिंदुस्तान मशीन टूल्स हो गया स्टील इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया दे आर एग्जाम्पल फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन विच गवर्नमेंट इज ओन्स एंड कंट्रोल्स राइट सो These are the examples for the such organization. These organizations were set up to speed up the industrialization, the industrial development के लिए set up किए गए ठीक है जो own and control किसके हाथ में government के हाथ में है ठीक है so therefore the government is reducing its stock in these organizations. Some of these organizations they such as modern food industry, they have been sold out to private business firm, उन्हें business firm private business firm को बेच दिया गया So, a profit-seeking organization is engaged in the production, purchase and sale of goods and services on regular basis with the object of earning money. Because without having profit, a business cannot survive for a long period of time. ठीक है? अगर हम बात करें कि और एक चीज और है, it's an economic activity. It undertakes under economic activity. So, a profit-seeking organization is engaged in the production, purchase, sale of goods and services on regular basis with the object of earning profit. And the main motive is to satisfy the human wants. And it undertakes under the economic activity. Like, agar hum grocery shop ki baat karein, sugar mill ki baat karein, automobile repair shop ki baat karein, workshop ki baat karein, truck कंपनी की बात करें तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स फॉर द प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन राइट सो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन विच आर हैविंग विच आर सीकिंग फॉर प्रॉफिट द ऑर्गेनाइजेशन विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड प्राइमरीली विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट दीज आर कॉल्ड प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन राइट अगर हम अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि व्हाट आर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द मेन मोटिव प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है एस्टैब्लिश्ड टू अर्न प्रॉफिट ओके राइट नाउ इफ द सेकेंड पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन First was profit-seeking organization and the second was non-profit organization. Non-profit organization. So non-profit organization, children, there are certain organizations which are formed not to earn profit, right? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जिनको फॉर्म किया जाता है जिनको एस्टेब्लिश किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टू सर्व द सोसाइटी टू सर्व द पीपल राइट सो देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड फॉर नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व द पीपल बट टू रेंडर द सर्विसेज टू इट्स मेंबर एंड टू द जनरल पब्लिक Like such organization includes club. If we talk about clubs, hospital, libraries, schools, religious institutions, charitable institutions, orphanage, literary societies, these are all are called non-profit organizations. Okay, because they give their services, they are not earning profit, right? Like club is giving what? Their primary objective is to give these services, to provide the services. The non-profit seeking entities exist with a primary motive of providing services.
सच एज अगर हम क्लब की बात करें, दे प्रोवाइड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, अ हॉस्पिटल रेंडर मेडिकल सर्विसेज, अ लिटरेरी सोसाइटी प्रमोट्स एंड आर्ट्स एंड कल्चर, एंड एन एसोसिएशन मे ऑल्सो फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स. थ्रू द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इन मेंबरशिप है, सब्सक्रिप्शन है जो चंदा मिलता है, डोनेशन दान जो मिलता है, ठीक है, और जो ग्रांट्स मिलते हैं, चैरिटी जो मिलती है, ठीक है, ये सारी चीजें इन प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की इनकम्स होती हैं. जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट चलते हैं जिनके चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे हमारे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जैसे सलमान खान हो गए, और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जैसे धीरू भाई अंबानी हो गए, टाटा हो गए, इन सब के चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं जो कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए यूज किए जाते हैं. जरा सोचिए, जो आपके जो अनाथालय होते हैं, जो एनजीओज होते हैं जगह जगह के, जो सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत से लोगों को, वो कहाँ से पैसा पाते हैं? या तो उन्हें गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट अपना चैरिटी के थ्रू देती है, या चैरिटेबल ट्रस्ट से मिलते हैं उनको पैसे, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे पैसा मिलता है, या फिर हमारे जो कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे पैसा मिलता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो क्लब्स होते हैं, एजुकेशनल ट्रस्ट होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो उनका पर्पस होता है एजुकेशन को प्रमोट करना, या उनको उसके हिसाब से जो है उनको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है. तो इनका मेन, एज द मेन एम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, दे डू नॉट प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ अकाउंट्स और व्हाट, ठीक है. क्यों? क्योंकि इन्हें जो पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है? या तो उनको चंदा मिले, दान मिले कहीं से, कोई कोई सेलिब्रिटी ने कोई दान दे दिया, या चैरिटी कर दिया, या कोई बड़े बड़े जो रिच पीपल होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा एक एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो गवर्नमेंट को ग्रांट की जरूरत पड़ी. जाहिर सी बात है पैंडेमिक में इतना ज्यादा इकोनॉमी हमारी डाउन हो गई थी कि सब लोगों ने पीएम वेलफेयर फंड में, राहत कोष में पैसा जमा किया. आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने पैसा दिया, बड़े बड़े जो बहुत रिच पीपल थे उन्होंने पैसा दिया, 100-100 करोड़ तक का प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा किए गए लोगों के थ्रू. तो जो रिच लोग हैं वो इस तरह के काम करते थे, उनके लिए अलग से चैरिटेबल ट्रस्ट बने हुए हैं, उन सबके एनजीओज बने हुए हैं, ऑर्फेनेज बने हुए हैं. ये सारे जो हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ये सब इन नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं, ठीक है. किसके लिए? टू सर्व द सोसाइटी, राइट. ये एक तरह से कह सकते हो आप, सर्विस एक सेवा है जनरल पब्लिक, ठीक है. तो अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मेन एम इसका क्या है? दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप, दिस यू विल नॉट गेट इन योर बुक, अ वेरी स्मॉल मीनिंग इज गिवन इन योर बुक, सो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. दैट अगर हम बात करें इसके मेन एम की, तो दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप, और यू कैन से पब्लिक एट लार्ज, सच एज ऑर्गेनाइजेशन. हेल्थ केयर की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, द मेन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज इधर फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉमिनल रेट्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है. दीज ऑर्गेनाइजेशन दे आर सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया. सोसाइटीज एंड सब्सक्राइबर्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स. जो इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको हम मेंबर्स कहते हैं, ठीक है. एक सेपरेट एंटिटी होती है डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एडमिशन ऑफ एनी न्यू मेंबर एंड डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी एग्जिस्टिंग मेंबर. सो अब इनके मेजर सोर्स क्या होते हैं? जैसे भाई जाहिर सी बात है कि अगर हमें कोई, हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अनाथालय में जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको, उनके जो वहां रह रहे होते हैं उनको क्या इनकम है? जो उसको मैनेज कर रहे हैं उनको किस, कौन सा वो उनसे पैसा ले रहे हैं? उनके जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं वो डोनेशंस होते हैं, सब्सक्रिप्शन होते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो मेंबर्स बने होते हैं उनका सब्सक्रिप्शन होता है, डोनेशन होता है, किसी ने डोनेट कर दिया पैसा, फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो पैसा मिल रहा है,
ग्रांट के रूप में, वो हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सब जो है वो किसके अंदर आता है, हमारा नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो हमारा अगर हम बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, तो अगर हम बात करें कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस इसके मोटिव का, ठीक है। इसका मोटिव है अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट, और इनका क्या मोटिव है? टू रेंडर सर्विस, राइट। प्रॉफिट और सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है? अर्न प्रॉफिट, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? टू रेंडर द सर्विसेज। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन काम क्या होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? इनका मेन काम होता है प्रोडक्शन करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। प्रोडक्शन किया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? इनका वर्क होता है टू हेल्प पीपल। इनका क्या होता है? टू हेल्प पीपल। ओके, नाउ अगर हम रिस्क की बात करें, तो रिस्क क्या है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? क्योंकि हम पैसा भी लगाते हैं, तो हाई रिस्क होता है और इसमें लो रिस्क होता है। ठीक है, इसमें तो हमें चंदा मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, उससे हमारा काम चल रहा है। नेट रिजल्ट क्या होता है इनका? क्या होता है? या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। जाहिर सी बात है, या तो इसका प्रॉफिट होता है और या लॉस होता है, और क्या है इसमें? सरप्लस होता है और या डिफिक्ट होता है, ठीक है। ये चीज हम बाद में आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही अलग, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड है कि इसमें जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट्स जो बनते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है, तो उसका रिजल्ट होता है सरप्लस या डिफिक्ट, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स बनते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है, या तो प्रॉफिट होता है और या लॉस होता है। अब अगर हम टैक्स की बात करें, तो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन दे हैव टू गिव टैक्स, बट नॉन प्रॉफिट दे बी नॉट, दैट इज नॉट, टैक्स इज नॉट पेबल, राइट, टैक्स इज नॉट पेबल। एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात करें, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स जो होते हैं वो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिलते, नहीं मिलते, राइट, बट नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ग्रांट मिलते हैं, दे आर अवेलेबल, बट फॉर प्रॉफिट सीकिंग इट इज नॉट अवेलेबल। सो दिस वॉज द कंपेरिजन बिटवीन द प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। Next topic we will discuss in our next class. Till then, thank you.